मोहम्मद इब्राहिम भी कर्नाटक से हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, उनका रुख करते हैं। इब्राहिम, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं जी। इब्राहिम बताएं, क्या परेशानी है आपको, हकीम साहब से बात कर सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम इब्राहिम साहब, फरमाइए क्या खिदमत मेरे लिए, क्या सवाल है? बहुत बहुत शुक्रिया। आज ईद उल मोमिनीन है, जुमा का दिन है, बहुत प्यारी, आपसे बहुत दिनों से ख्वाहिश थी बात करना, आज बात हो रही है, अल्लाह का शुक्र है जी। इब्राहिम भाई बताइए। मैं 70 पे एक साल का हूँ। 71 साल जी। हाँ 70 पे एक साल है मेरे उम्र। मुझे क्या है, थोड़ा पेशाब की ज्यादती हो रही है, थोड़ा शुगर हो गया है जी, उसमें पेशाब ज्यादा हो रहा है, तो उसे क्या लेना चाहिए? और उसके अलावा जी मैं गिजा में क्या इस्तेमाल करूं? ठीक है, सलामत रहिए आप। और अल्लाह का शुक्र है, आमीन आमीन। बहुत अल्लाह ने आपको काफी अच्छी सेहत दी और 71 साल के पायदान पर हैं आप, और मेरी दुआ है कि आप अपने छोटों पर शफ़क़त करते रहें और सलामत रहें। शुगर हो गई है तो एक दवा बड़ी अच्छी है। आप देखिए, बहुत सारी दवाएं हैं शुगर की, जो दवा खाते हैं वो भी खाते रहें, लेकिन एक दवा है जिसे कहते हैं जैतून का सिरका, और ये 3-4 चम्मच आप रात में, छोटे चाय के चम्मच रात में पानी में मिला के, 1 गिलास पानी में मिला के पी लिया करें, और पैदल भी चला करें 1 घंटा ज़रूर, अगर आप में हिम्मत है, और जितना खाना आप खाते हैं उससे आधा खाया करें, यानी अगर 4 रोटी आपकी खुराक है तो 2 रोटी खाया करिए, चाहे 2 रोटी 2 घंटे बाद फिर खा लें, तो थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए शुगर के मरीज़ को। अच्छा, चावल और आलू से सख्त परहेज, मीठी चीज़ों से सख्त परहेज, संतरा खा सकते हैं आप, और किन्नू आता है वो खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, ये फल आपके लिए काफ़ी मुफीद हैं, और पैदल ज़रूर चला करिए, मुमकिन हो तो गर्म पानी पिया करिए, अगर आप ये अमल करेंगे तो आखिरी सांस तक सेहतमंद रह सकते हैं और डायबिटीज़ भी आपकी कंट्रोल हो सकती है। सृष्टा शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए। सृष्टा जी कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ जी। बताएं क्या परेशानी है, हकीम साहब से सवाल कर सकती हैं आप? मेरे हस्बैंड है ना, उनको ना कान के नीचे ना सूजी हो जाती है कभी कभी, ऐसे ये जॉइंट होते हैं ना, जहाँ तीज ऐसे बांध होते हैं, बांध के ऊपर और कान के नीचे, कभी 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 एक तरफ होती है कभी दूसरी तरफ होती है, फिर अपने आप ठीक भी हो जाती है। आपकी उम्र कितनी है? मेरे को नहीं होती, मेरे हस्बैंड को होती है। अच्छा, क्या उम्र है मरीज की? उनकी होगी 69-70। अच्छा, बहुत अच्छे। अच्छा, क्या काम करते हैं वो? कोई लगातार बैठने का काम करते हैं? नहीं, बैठने का नहीं करते, बैठते तो हैं, अब रिटायर होके बैठते ही हैं, और क्या करते हैं, 2 टाइम सैर करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा देखिए, आधा चम्मच मेथी सुबह, आधा चम्मच शाम, उन्हें पाउडर बना के खिलाया करिए। मुझे उम्मीद है आपके पति की ये परेशानी ठीक होना मुमकिन है। सबा हमारे साथ जम्मू कश्मीर से फोन लाइन पर मौजूद है हमारी कॉलर। सबा कैसी हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। बताएं क्या परेशानी है आपको? जी मेरे शौहर है ना, वो डायबिटिक पेशेंट है, उसकी ना बाएं साइड में बाजू पैर लेके ना अनकॉन्शियस रहता है, मतलब इसको लगता है कि मेरी जो नसें है वो काम नहीं कर रही है, पैर में ज्यादा, मतलब उसको लगता है कि मतलब उसमें जान ही नहीं है, अब कई ट्रीटमेंट कराए उसको कुछ फर्क नहीं हुआ, मसाज वगैरह कराए कुछ भी नहीं हुआ, उसी के बारे में डॉक्टर साहब से पूछना था, ये क्या प्रॉब्लम, ठीक हो जाएगा कि नहीं? सारे बोलते हैं शुगर से है। अच्छा, उनका उनकी उम्र बताएं आप मुझे। 50 50 50। और कितने दिन से ये तकलीफ है, और पैर में है या हाथ में है? नहीं जी, 2 साल से पैर में है, मतलब इस वक्त मैं उनको ना मसाज कर रही हूँ, अमृतसर भी गए, दिल्ली भी गए, कहीं फर्क नहीं पड़ा,
सब बोलते हैं ये डायबिटीज की वजह से है, जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा ये ठीक नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल में है शुगर तब भी फर्क नहीं पड़ रहा है इसको, बिल्कुल ध्यान ही नहीं लगती इसको, पैर में ठंडे पड़ जाते हैं रात को ज्यादा, दिन में भी ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा देखिए, डायबिटीज से इसका मर्ज का कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर ये दोनों पैरों में है या एक पैर में है एक ही बात है, किसी की दोनों तरफ की रगें यानी नसें यानी नर्व हमारे कूलों से ऊपर जो डिस्क है जिसको स्लिप डिस्क भी कहते हैं जहाँ पर होता है, वहाँ पर इनकी रगें दबी हुई हैं कमर में, कमर के सबसे नीचे के हिस्से में पांच जो डिस्क होते हैं उनमें कहीं रगें दबी हुई हैं, जिसकी वजह से खून जो तेज़ी से आना जाना चाहिए और मेरे तजर्बे में वो खून कतरा कतरा जाता है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म या तो दर्द देता है या सुन होता है यानी गैर हसास हो जाता है या इतना एक्टिव नहीं रहता, या दर्द शुरू होता है या खिंचाव शुरू होता है और आदमी बड़ी बेचैनी महसूस करता है। इसका एक बहुत अच्छा इलाज है और उन सब लोगों के लिए जिन लोगों के कमर में तकलीफ़ है, टांगों में तकलीफ़ है, पिंडलियों में खिंचाव है, दर्द है या सुन हो जाते हैं पैर और कहीं भी किसी भी जोड़ में दर्द है, तो एक बहुत अच्छा इलाज है। देखिए अलसी आप जानते हैं, अलसी लीजिए तकरीबन 300 ग्राम अलसी और उसको हल्का सा भून लीजिए, 300 ग्राम अलसी और 100 ग्राम गोंद सियाह यानी काला गोंद आसान जबान में कहते हैं, और ये बहुत महंगा आता है और बहुत नकली आता है, और ये 100 ग्राम भी आपको 100-150 ग्राम भी 1000-1500 का मिलेगा, देख के लेना। जायके में बहुत कड़वा होता है, इतना कड़वा कि मैंने कभी इतनी कड़वी दवा नहीं देखी यूनानी दवा, कि आपने अगर एक चुटकी अपनी ज़बान पर रख लिया तो इतना कड़वा हो जाएगा कि आपको कुछ मीठा खाना लाजिम हो जाएगा। तो 100 ग्राम गोंद सियाह यानी काला गोंद, 300 ग्राम अलसी, हल्का सा भून ले अलसी को और फिर इसके साथ पाउडर बना लें, पाउडर बनाकर 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम खाना देना शुरू करें, और उनसे कहें ज़मीन में ना बैठें, वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द आपके खाविंद का ठीक होना मुमकिन है। वीना गुजरात से हमारे साथ फिर से जुड़ गई हैं। जी वीना जी बताएं आपकी क्या परेशानी है। मेरी बेटे जी ये परेशानी है कि मेरे पांव बहुत दुखते हैं, मैंने ऑपरेशन भी कराया है पर मेरे को वो रास नहीं आया, बहुत मेरे पांव दुखते हैं और एक पांव में राइट वाले में तो सूजन आ जाती है बेटे जी। जी आपकी उम्र बताएं। मेरी उम्र 74 साल है। 74 साल। अच्छा देखिए बहुत आप पर ऊपर वाले की मेहरबानी कि आपको 74 साल में सेहतमंद रखा, और देखिए हम और आप जैसे लोगों को ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, इस उम्र में ऑपरेशन 99.9% फ़ायदा नहीं करते, जैसे आपने ऑपरेशन कराया लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। आप मुझे 2-4 महीने दीजिए, 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने, और या यूँ कहिए कि 1 महीना दीजिए। एक नुस्खा बता रहा हूँ वो आप शुरू करें। देखिए छोटी हड़ लीजिए 100 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम। ये तो सब आपके किचन में मिल जाएंगे या बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एक गोंद में अक्सर आजकल उसका परिचय कराता हूँ, वो काफ़ी महंगा आता है और बहुत मुश्किल से मिलता है तो नकली मिलता है,
तो उसकी पहचान ये है कि गौन छोटा छोटा होता है, जो भी गौन महिलाएं जानती है वो छोटा छोटा होता है, ये बड़ा बड़ा होता है। इसे गौन स्याह कहते हैं, यानी काला गौन। काला गौन आप लीजिए, और ये वैसे भूरा से रंग का होता है, जैसे कैसा बताऊँ आपको, कहने के लिए काला होता है लेकिन देखने में ब्राउन होता है। और सबसे ख़ास बात यह है कि ये इस कदर कड़वा होता है कि अगर आपने एक चुटकी ज़बान पर रख लें तो इतना कड़वा मुँह हो जाएगा कि आपको कुछ ना कुछ फौरी तौर पर खाना पड़ेगा। तो ये इसकी पहचान बता रहा हूँ ताकि आपको कोई नकली ना दे दे। तो ये नुस्खा लीजिए, जैसे मैंने फिर दोहरा देता हूँ, धनिया और 100 ग्राम धनिया, छोटी हड़, अलसी, 100 ग्राम धनिया, छोटी हड़, अलसी और गौन स्याह, इन चारों चीज़ों को हम वज़न यानी बराबर बराबर वज़न में लेकर पाउडर बनाएं, 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, खाने के बाद पानी से लें, दूध से लें, जूस से लें, जैसा आपको आसानी हो। अच्छा, 5-6 दिन के बाद आपको फ़ायदा शुरू होगा, इतना याद रखना। आपको दर्द होता है, दर्द की दवा ले सकते हैं, इसके साथ भी ले सकते हैं, एलोपैथिक दवा ले सकते हैं। अच्छा, 1 महीने में अगर आपको 20-30% फ़ायदा हो तो फिर आप इसको 2-4 महीने भी इलाज कर सकते हैं। 1 महीने में इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाता है लोगों को, बेशतर लोगों को, कि एलोपैथिक दवा छूट जाए, बगैर उसके आप उसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये नुस्खा लीजिए, मेरी दुआ है कि आपको ऊपर वाला सेहतमंद रखेगा। मोहम्मद शमीम गुजरात से हमारे साथ लाइन पर हैं, आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। जी मोहम्मद शमीम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। उम्र क्या है आपकी और परेशानी क्या है बताएं। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज को जड़ से खत्म करने का कोई इलाज नहीं हो सकता? ठीक है। अच्छा देखिए, अभी बहुत से लोग दावा भी करने लगे हैं डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म, दावा करते हैं 100%, लेकिन जितने भी लोग ये दावा करते हैं सब झूठे हैं। देखिए, डायबिटीज़ को ना तो जड़ से ख़त्म कर सकते हैं और ना इसका मुस्तकिल अभी कोई इलाज है। फिलहाल अभी तक, आज की तारीख तक, डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाता है, और वो आप जो दवा खाते हैं वो दवा लगातार खाएं, जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। एक दवा मैं बता सकता हूँ आपको कि जिससे आप को डायबिटीज़ या डायबिटीज़ की जो दवा आप खाते हैं उससे नुकसान ना हो और आपकी किडनी परफेक्ट रहे, लीवर परफेक्ट रहे, पेट बिल्कुल ठीक रहे और डायबिटीज़ भी कंट्रोल वो करती है, 20-30-40% तक डायबिटीज़ कंट्रोल करती है। और वो है, आपने सुना होगा कि सिरके आते हैं, बहुत तरह के सिरके आते हैं, लेकिन जैतून का सिरका 3-4 चम्मच पानी में मिलाकर, 1 गिलास पानी में टीस्पून, तीन तीन या चार पानी में मिला के पी लिया करें, 1 या 2 टाइम सुबह और शाम। और इससे आप हमेशा हमेशा सेहतमंद रह सकते हैं।